हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम ओपनिंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कॉलेज सिस्टम में लास्ट टाइम हमने मेन क्लासिकल मूव्स देखे थे। आज का जो टॉपिक है ये खास ध्यान करके सुन लीजिए। नाइट E4 प्लान बेस ब्लैक प्लेस नाइट E4 प्लान बेस। उसके बाद मैं बताऊंगा इफ ब्लैक डिले कैसलिंग में ब्लैक अगर थोड़ा सा डिले करता है। कैसलिंग जनरली 7th मूव में होना चाहिए, 8th मूव में होता है तो गेम कहां से कहां तक चेंज हो जाती है। ये दोनों खास चीजें आपको सीखनी जरूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं प्लान बेस नाइट E4। बहुत दिक्कत होती है वाइट को कई बार नाइट E4 आ जाने के बाद, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप एकदम फ्रीली गेम खेल सको बहुत ही बढ़िया तरीके से वाइट से। चलिए शुरू करते हैं। D4 नाइट F6। दोस्तों D5 भी हो सकता है, नाइट F6 E6 कोई भी मूव हो सकता है। मैं हर बार आपको बताता हूं कि मूव ऑर्डर चेंज होने के बाद हमें अपने क्लासिकल स्ट्रक्चर में ही ध्यान देना है। दूसरा मूव हमारा नाइट F3 होगा, ब्लैक खेलेगा E6, उसके बाद E3, ब्लैक D5, बिशप D3, ब्लैक प्लेस C5 और यहां हमारा मूव होता है B3, ब्लैक नाइट से 6। 6th मूव में व्हाइट करता है कैसल। याद रखिए 6th मूव में आपका कैसल हो जाना चाहिए। बिशप D6 यहां पे हम खेलते हैं BB2। यहां पे ब्लैक टाइम टू टाइम 7th मूव में कैसल करता है। यहां हमारा व्हाइट का मूव होता है नाइट E5। उसके बाद ब्लैक खेलता है क्वीन C7 और क्वीन C7 के रिप्लाई में हमें यहां F4 खेलना जरूरी है नाइट के पर प्रेशर। C takes D4, E takes D4 एंड देन नाइट E4। ये प्लान बेस नाइट E4 अटैक पॉन एक्सचेंज करने के बाद यहां आपको करना है बिशप टेक्स E4। आप सोचोगे कि E4 पे नाइट मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि E4 पे आप उसे एक्सचेंज कर लीजिए। आफ्टर D takes E4 यहां बेस्ट चॉइस है नाइट E4। अब दोस्तों यहां पे नाइट यहां पे मान लो कि F6 या F5 होता है तो आपका नेक्स्ट प्लान होगा नाइट B4। उसके बाद आइडिया में बताता हूं A4 देन नाइट टेक्स बिशप एंड बिशप A3। ये आगे के प्लानिंग्स। चलिए अब देखते हैं ब्लैक डिले कैसलिंग। दोस्तों इसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये क्लासिकल मूव में नाइट E4 के बाद बिशप टेक्स एंड देन नाइट C3 और ये प्लानिंग है आपका। हाँ, यहां पे ये पॉन ब्लैक को एक अभी तो बचाने की जरूरत है, तो अभी फिलहाल A6 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ब्लैक नाइट B5 आने से अभी नहीं रोक सकता, तो उसे फोर्सफुली F5 खेलना ही पड़ेगा और F5 के बाद आपका नेक्स्ट मूव नाइट B5 होगा। क्वीन टेक्स B8 देन नाइट टेक्स D6 आफ्टर क्वीन टेक्स D6 और A4। ये पोजीशन वाइट की फेवर में है क्योंकि नेक्स्ट थ्रेट भी है बिशप A3, बिशप को आउटपोस्ट कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं डिले कैसलिंग। इफ ब्लैक डिले कैसलिंग में ब्लैक डिले करता है तो आपको क्या करना है। और न्यू एनालिसिस 7th मूव में कैसल हो जाना चाहिए क्लासिकल में। ये छोटी छोटी चीजें आप जो ध्यान में रखते हो कि 7th मूव में कैसल होना चाहिए और ब्लैक नहीं करता है तो आपके दिमाग में तुरंत अपनी सीखी हुई लाइन याद आ जाएगी। D4 एंड F6
मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें समझा रहा हूँ, इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। E3 D5 मॉडल चेंज कर दिया मैंने, बिशप D3 C5 B3 नाइट C6 देन वाइट कैसल 6 मूव, ब्लैक प्लेट बिशप D6, ये सारे हम देख रहे हैं बिशप D6 में। ध्यान रखिए बिशप E7 में कुछ अलग ही होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। BB2 Qc7 Qc7 पहले आ गया। जनरली यहाँ पे 7th मूव में ब्लैक को कैसल करना चाहिए दोस्तों, देखिए कितना फर्क है, 7th मूव में ब्लैक को कैसल करना चाहिए तभी हम नाइट E5 खेलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लैक ने कैसल नहीं किया, ब्लैक ने Qc7 खेला 7th मूव में। तो जब भी Qc7 आता है तो मेरा मोस्ट एक ही रिप्लाई बेस्ड होता है C4। सी और डी डायगोनल को खोलना है हम, क्योंकि बिशप और क्वीन दोनों नाइट के सपोर्ट से बाहर आ गए हैं। C4 के बाद यहां कैसलिंग बहुत ही बैड मूव होगा। बैड मूव क्यों है अब मैं बताऊंगा आपको। यहां पे आपको करना है सबसे पहले D takes C4, ब्लैक खेलेगा Bishop takes C5, उसके बाद Bishop takes F6, ब्लैक खेलेगा G takes F6, उसके बाद Pawn takes Pawn, फोर्स मूव Pawn takes Pawn एंड Bishop H7 सैक्रिफाइस आफ्टर King H7 Qc2 डबल अटैक है, आपको बिशप वापस मिल रहा है और एक पॉन भी प्लस हो रहे हो और किंग की ब्लैक की पोजीशन काफी हद तक खराब हो। मान लो कि यहां पे ब्लैक ने कैसल नहीं किया, चलिए अभी आप बोलोगे कि कैसल नहीं करता है तो इसी मूव में एक अच्छी चॉइस है ब्लैक के पास E5 सेंटर, लेकिन E5 में भी आपके पास बढ़िया मूव है, पहले C takes D5 नाइट पे अटैक, तो Knight takes D5 ब्लैक के लिए फोर्स हो जाएगा और उसके बाद Pawn takes Pawn और क्लियर रास्ता। ओके, यहां पे कई बार इंजन में ये दिखा रहा है Counter attack E4, तो यहां आपको करना है D takes C5 आफ्टर Bishop takes C5 उसके बाद Bishop F6 और यहां भी वाइट प्लस पोजीशन। मान लो कि Pawn takes Bishop, तो सबसे पहले Bishop takes G7 Rook G8 और यहां पे वाइट प्लस दिखा रहा है Pawn takes Knight। नाइट मारने से बेटर भी है आपके पास ऑप्शन एक Bishop F6 या फिर Bishop B2। दोस्तों ये थी डिले कैसलिंग वाली लाइन। अब मैं आपको बताऊंगा हैंगिंग पॉन के बारे में। 8 मूव में क्वीन डिले कैसलिंग में ही हम देखते हैं, ये था हमारा 4.1। अब देखिए 4.2 इस लाइन में कितने कितने वेरिएशन है। यहाँ पे C4, ओके C4 के बाद एक्सचेंज पॉन D into C4। मान लो कि ब्लैक ने यहाँ पे हमारी टेक्निक जो कैसलिंग के बाद Pawn takes Pawn हम डबल अटैक से जो पीस वापस ले रहे हैं, अगर ब्लैक ने ये ट्रिक भी जान ली है और उसे पहले Pawn takes Pawn कर दिया D into C4, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा B into C4 पॉन सेंटर में रखिए। आफ्टर C takes D4 यहाँ आपको E takes D4 करना है और ब्लैक खेलेगा Bishop E7, क्योंकि नेक्स्ट हिट हम पॉन पुश और Bishop F6 वाला जो तरीका है वो हम कर सकते हैं किंग को डिस्टर्ब करने का। यहाँ आपको रिप्लाई देना है Knight C3
ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट बी4 अपने स्ट्रॉन्ग बिशप को अटैक करने के लिए। यहाँ काउंटर अटैक करना है नाइट बी5, ब्लैक को Qd8 जाना पड़ेगा। और यहाँ बिशप b1 एक बार आप वेट कर लीजिए। अब ब्लैक कैसल कर रहा है तो यहाँ आपको एक बार a3 करना है, नाइट c6, उसके बाद क्वीन c2, बहुत ही जबरदस्त थ्रेट है यहाँ पे h7 पे, और इस नाइट को हम d5 करके डिस्ट्रॉय करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ब्लैक यहाँ रिप्लाई देगा g6, बेस्ट ऑप्शन यही है मेरे हिसाब से। यहाँ आपको खेलना है रुक टू d1, एक्सरे अटैक ऑन दिस क्वीन। ब्लैक a6 करेगा, वापस ले लो नाइट को c3 पे, नाइट a5 आइडिया है यहाँ पे, नाइट टेक c4 का। यहाँ पे एक बढ़िया मूव है बिशप a2। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि बिशप के मूव इतने क्यों हो रहे हैं, लेकिन पोजीशन संभाल के रखनी है हमें, क्योंकि वैसे भी अब जो बिशप b1 पे था वो g6 पे टारगेट नहीं बना रहा है, ऑलरेडी g6 हो चुका है, वरना h7 पे हमारे थ्रेट थे। चलिए दूसरा एक्सचेंज ऑन d4। d4 पॉन पे एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, ब्लैक इस मूव में c4 के बाद c into d4, तो यहाँ e into d4। अब ब्लैक ने ये पॉन नहीं लिया, हालांकि ये पॉन लेता तो हमारी वही पोजीशन आ जाती। यहाँ पे ब्लैक कैसल कर रहा है, तो ये कैसलिंग के बाद आपको सिंपल नाइट c3 खेलना है, नाइट b4 की थ्रेट है, तो ब्लैक यहाँ पे ऑब्वियस a6 खेलेगा। a6 नहीं करता है तो नाइट b4 बहुत जबरदस्त आता है। इसके बाद आपको खेलना है c5, तो बिशप e7 और बिशप f4, ये दो प्लानिंग है। तो बेस्ट चॉइस सबसे पहले बिशप f4 होता है, क्योंकि बिशप e7 पैसिव मूव हो जाती है। यहाँ पे आपको खेलना है g6, बिशप h6 एक ही बढ़िया चॉइस है, और उसके बाद नाइट a4 आइडिया है नाइट b6 का, जो कोई भी रोक नहीं सकता, और उसके बाद वाइट की पोजीशन काफ़ी हद से जबरदस्त है। ओके, 10th मूव में जो दोनों पोन एक्सचेंज वाली मूव मैंने बताई थी, यहाँ पे हम वो देखते हैं। d into c4, pawn takes pawn। उसके बाद ब्लैक बिशप e7 करता है। मान लो कि आप बोलोगे कि हर बार ये बिशप e7 वापस क्यों जाएगा, मान लो कि यहाँ पे ब्लैक ने काउंटर अटैक किया आपके स्ट्रॉन्ग बिशप पे नाइट b4 इस पोजीशन में, तब भी आपका रिप्लाई होना चाहिए नाइट टू c3, आफ्टर नाइट d3 आपको खेलना है क्वीन d3। हालांकि इससे पहले नाइट b5 एक ये भी बढ़िया चॉइस है, क्योंकि नाइट इंटू b2 पॉसिबल नहीं है, क्वीन चेक के साथ मर रही है। तो यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन d7, यहाँ पे आपको नाइट टेक्स d6 चेक के साथ क्वीन टेक्स d6 और फिर क्वीन d3, और ऐसे एक्सचेंज करके ये पोजीशन से खेलना है, और ये भी वाइट के फेवर में रहेगी, सेंट्रलाइज आपके दो दो पॉन है और पीसीस बहुत ही डेवलप है, ब्लैक का कैसल भी नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने हैंगिंग पॉन के बारे में बता दिया, डिले कैसलिंग के बारे में बता दिया, और प्लान बेस्ड नाइट e4 के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सचेंज ऑन c4, मतलब c4 पे जब एक्सचेंजेस होते हैं तब पोजीशन क्या होती है। इसीलिए सभी वीडियो 1x1 अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए और कॉलेज सिस्टम कम्प्लीटली तैयार कीजिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।